गुजराती गौरव श्री मधुराष्टकम श्रीवल्लवाधीश की जय। श्रावण महीनानी ते महानिषि श्रीमद गोकुल मां गोविंद ठकुराणी घाट पर श्री वल्लभाचार्य जी सन्मुख साक्षात श्री गोकुल चंद्रमा जी प्रगट थया छे, जे रस स्वरूप धर्मी स्वरूप कहवाये छे। पाछळ ज भक्ति स्वरूप ना धोध समा श्री यमुना जी वही रहा छे, जाने तेमणे ज प्रभु ने पोतानी निकुंज माथी ब्रह्म संबंध नु कृपा पार पूर्ण कार्य करवा मोकल्या होय। ते संपूर्ण रसथी भरेला स्वरूप ना साक्षात दर्शन थी जाने श्री वल्लभाचार्य जी ते स्वरूप ना मधुर रूप तेमनी मधुर लीलाओ ते लीला सृष्टि तेनु मधुर परिकर ते स्वरूप साथे संलग्न सर्व काई पण मधुरताथी भरेल आवी अनुभूति करता होय तेम श्री वल्लभाचार्य जी ना हृदय मां पण ते मधुरता नो सागर जाने उमटी ने बहार छलकाई रह्यो। ते रसथी प्लावित थयेल तेमना स्वरूप ना उद्गार रूपिया अष्टक प्रकट थयुं, जाने तेना निजजनों ने पण ते छलकाता रसना छाटा आपवा मांगता होय तेम आ अष्टक प्रकट थई गयुं होय एवुं लागे छे। आ श्री हरिराय महाप्रभुजीनी वाणी छे। तो वैष्णवजनों, चालो आपणे आ मधुराष्टकमनुं गान करी आपणे अवम सुमधुर मधुर रसनो संपूर्ण रीते लाभ लई आपणी वाणीने पवित्र करीए। अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नृतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं चीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीति मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा यूकं मधुरमूकं मधुरम् इष्टं मधुरं शीष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गायो मधुरा यशीर्मधुरा सुशीर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं श्रीमधुराष्टकं समाप्तं श्रीवल्लवाधीश की जय। आ रीते आपणे मधुर गान करी आपणी मधुर वाणीमां मधुरता रेडी आपणे हवो आवी रीते दरेक श्लोकोनुं विवरण करी विलोचन करी आपणे दरेक प्रसंग लईशुं। અને આવતા પ્રસંગમાં આપણે સૌથી પહેલો શ્લોક અધરમ મધુરમ વદનમ મદનમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ મગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતિ રખિલમ ગગન એ વિષયનું આપણે ચર્ચા કરી વિચારણ કરીશું। તો શુભમસ્તુ।